देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वेयर एम इज कांस्टेंट, इफ 2% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, के स्टैंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा, राइट? 2% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 टू 2, के स्टैंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच? सो डेल्टा के क्या हो जाएगा, 2k/100। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा के। अब मेरी बात सुनो कि के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मेरे को डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू के चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, के विद रिस्पेक्ट टू के इज 1, m constant, this is 2v into dv by dk, 2 cancel, so dv by dk equals to 1 upon mv, अब बच्चों dv by dk भी है मेरे पास, और already मेरे पास delta k है, तो मेरा जो formula है, ये वाला formula, delta v equals to dv by dk, 1 upon m into v, and delta k क्या है, 2k/100, अब जो मेरा interest निकल क्या रहा है, वो इसमें है वेलोसिटी v, तो देखो मेरे पास ये चीज है, k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 को साइड चेंज करो तो 2k इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर, तो 2k को हटा के लगा दो, m इनटू v स्क्वायर बाय 100, m कैंसिल, वन ऑफ द v इज कैंसिल, तो डेल्टा v, v इनटू डेल्टा v इक्वल्स टू, डेल्टा v इक्वल्स टू v इनटू 1/100, तो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 1%, और 1% के रिलेटेड चॉइस जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, b, देख लो।